हमारे संस्थान में 15 सितंबर से आईएएस और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। इस ऑनलाइन बैच की अवधि 9 महीने होगी, लेकिन वीडियो क्लासेस आप 1 साल तक देख सकते हैं। कोई क्लास अगर आप तुरंत नहीं देख पाते हैं तो आप जब चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी वीडियो आप अधिकतम 8 बार दे सकते हैं। पहले हमारे संस्थान में 5 बार का नियम था, जिसे बढ़ाकर हमने 8 बार कर दिया है। आप 8 बार दे सकते हैं, साथ में वीडियो क्वालिटी आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम लगातार अपने तकनीकी क्षमताओं में सुधार करते जा रहे हैं आपके लिए। तो आप निश्चिंत होकर 1 साल तक अपना अध्ययन हमारे साथ जारी रख सकते हो, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई क्लास आप टाइम पर नहीं ले पाए तो बाद में छूट जाएगा। कोई क्लास आपसे कभी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि 1 साल तक सब कुछ वहाँ पर रहेगा। बारी बारी से सभी फैकल्टीज़ अपना डेमो क्लासेस दे रही हैं आपके सामने, चाहे झा सर हों, चाहे ठाकुर सर हों, या फिर कीर्ति भूषण सर हों, या फिर एस के पांडे सर हों, है ना। इसी क्रम में मैं भी आपके सामने हूँ। भूगोल सामान्य अध्ययन की जो मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं ना, चाहे आई एस हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, सामान्य अध्ययन के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं उनमें पहला प्रश्न पत्र में सबसे पहला सवाल आपका भूगोल से ही पूछा जाता है, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में 3 टॉपिक हैं, 3 विषय हैं, भूगोल, इतिहास और सोशल इशूज। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो पहला क्वेश्चन भूगोल का ही कोई ना कोई होगा। तो मेरे इस क्लास को आप ये सोच कर देखिए कि हो सकता है कि पहला क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही पूछ ले, है ना। वैसे भी जिस तरह से मौसम में उलट फेर हो रहे हैं, मौसमी प्रणाली बदल रही है, चक्रवात भी आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ ठप हो जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो आइए हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन हाँ, 15 सितंबर से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें प्रवेश प्रक्रिया में पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है 9918000454, ये 000 लिखा हुआ है, इस पर आप एंट्री IAS PCS लिखकर भेज दीजिए। ये बैच हमारा IAS और PCS परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेष रूप से जो यूपी PCS की परीक्षा है उसका सिलेबस तो पूरी तरह से IAS से मिलता जुलता है, 100% कोई अंतर नहीं रह गया है, तैयारी एक ही है। आप ज्वाइन कर लीजिए किसी भी परीक्षा की आपको तैयारी करनी हो प्रशासनिक क्षेत्र में, IAS हो या फिर यूपी PCS हो या अन्य PCS परीक्षा। आप ये भेजेंगे लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको प्रवेश प्रक्रिया बताई जाएगी। आप एडमिशन लेने के इच्छुक होंगे तो यहाँ पे आपको प्रवेश प्रक्रिया भी बताई जाएगी, हमारे काउंसलर्स के नंबर भी दिए जाएंगे जिन्हें आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए इसे डेमो क्लासेस के रूप में हम लेते हैं। आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जितना ही ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ही कम समझ में आएगा। इसको कहानी की तरह सुनेंगे ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, तुरंत आत्मसात हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी होती है, सिंपल सी बात है। बात क्या है, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आपको 2 चित्र दिखा देते हैं। ये सैटेलाइट इमेज है चक्रवात की, देख रहे हैं आप समुद्र के ऊपर, ये नीले कलर का समुद्री क्षेत्र है, ये चक्रवात आ गया है। चक्रवात हमेशा महासागरों के ऊपर ही आते हैं, उनकी उत्पत्ति 95% से ज़्यादा केसेस में चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के ऊपर ही होती है, क्योंकि महासागर गर्म होते हैं तो उनसे भाप उठता है, जलवाष्प, और वही जलवाष्प चक्रवात की ऊष्मा का स्रोत होता है। चक्रवात की जो ऊर्जा होती है वो महासागर सतह से उठने वाले जलवाष्प से मिलती है। महासागर सतह जितना ही गर्म होगा चक्रवात उतना ही ताकतवर होगा और उतना ही जबरदस्त विनाश करेगा। इसलिए जो चक्रवात होते हैं वो हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, जब वाष्पीकरण की दर खूब बढ़ जाती है। जैसे कि जब सागर सतह का जल जब 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, जब सागर सतह, जो सागर का जो पानी है ऊपर का, उसका जल जब 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तभी चक्रवात बनेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान कम होता है सागर सतह पे तो चक्रवात नहीं बन पाते, क्योंकि चक्रवात की ऊष्मा का स्रोत ही जलवाष्प है। सागर सतह पर जितना ही ज़्यादा जलवाष्प उठेगा, जलवाष्प में बड़ी ताकत है ना, ट्रेन दौड़ा देती है। पहले रेलें जलवाष्प से चलाई जाती थी, कोयला जला जाता था, कोयले से पानी गर्म किया जाता था, पानी से भाप उठता था, उसी भाप से ट्रेन दौड़ जाती थी, है ना। तो सोचिए ये जो सागर सतह पे ये विनाशकारी आप दृश्य देख रहे हैं, ये सारा सागर सतह पे जो भाप उठता है ये उसका कमाल है। चक्रवात की ऊर्जा हमेशा भाप से मिलती है, वाष्प से मिलती है, जिसे हम अगर एक्चुअल में कहें तो संघनन की गुप्त ऊष्मा। अब संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो चक्रवात हमेशा समुद्रों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। चक्रवात कब उत्पन्न होते हैं, जब सागर सतह पर कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र अचानक से बन जाए,
जब समुद्र में अचानक से कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है ना, तो जितनी भी चारों तरफ की हवाएं हैं उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए दौड़ पड़ती हैं। यानी हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं हवाएं। हवाओं की आदत होती है, जहां कहीं भी अचानक से निम्न वायुदाब हो जाएगा, चारों तरफ से हवाएं उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए दौड़ पड़ेंगी, एकदम प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इस क्रम में हवाओं की गति बहुत तेज हो जाती है, यहाँ तक कि 200 किलोमीटर पर घंटा। चक्रवात के अंतर्गत हवाओं की गति कितना पहुंच जाती है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं प्रवाहित होती हैं। लेकिन चक्रवात की एक खास बात यह है कि हवाएं कभी सीधे प्रवेश नहीं करती हैं। हवाएं जब बाहर से भीतर की ओर प्रवाहित होती है ना, तो हवाएं हमेशा ऐसे चक्कर चक्कर लेके प्रवाहित होती हैं। हवाएं कभी भी सीधे केंद्र की ओर नहीं प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे क्या है, LP मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र है। ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह के निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इसी को भरने के लिए हवाएं चारों तरफ से गोल गोल प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन हवाएं सीधे नहीं जा रही हैं। चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली में हवाएं कभी भी बाहर से केंद्र की ओर सीधे नहीं जाएंगी, वो चक्कर लेते हुए जाएंगी गोल गोल। इस बारे में फेरल एक वैज्ञानिक थे, फेरल ने इसका नियम बताया था कि ऐसा क्यों होता है। चक्रवाती पवन प्रणाली में फेरल ने बताया था, फेरल ने यह कहा था कि चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली में उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियमानुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होती है, क्लॉकवाइज। यानी फेरल ने बताया कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनमें हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। फिर से अगर आप ये चित्र देखें, तो अगर इसको आप देखें तो ये किस गोलार्ध का चक्रवात हो सकता है? आप देखिए, एंटी क्लॉकवाइज हमने दर्शाया है कि हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम के प्रवेश कर रही हैं। बाहर से केंद्र की तरफ जो हवाएं जा रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मार रही हैं। इसका मतलब ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का है या दक्षिणी गोलार्ध का, बेशक आप जवाब दे सकते हैं। तो चक्रवात है क्या, आइए फिर से देखते हैं चक्रवात क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, चक्रवात एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी तूफान होते हैं जिनके केंद्र में अत्यधिक न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है। इनके केंद्र में अत्यधिक न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है, इसके चलते हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ बहुत ही तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हवाओं की जो दिशा होती है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। सोचिए, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी, वो भी पूरे क्षेत्रफल में ही जब हवाएं 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तो सामने क्या मंजर होगा। हवाएं चूंकि बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो एक उच्च वायुदाब को हम H से दर्शाते हैं और निम्न वायुदाब को हम L से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच का जो अंतर है, दाब का जो अंतर है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुदाब प्रवणता। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच का जो अंतर है उसे हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का जो अंतर जितना ही तेज होगा, वायुदाब प्रवणता उतनी ही तीव्र होगी। यानी केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र जितना ही अधिक होगा, जितना ही ज़्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा केंद्र में, उतना ही ज़्यादा वायुदाब प्रवणता तीव्र होगी। वायुदाब प्रवणता की दिशा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। यही कारण है कि हवाएं हमेशा बाहर से केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये चारों तरफ से केंद्र की तरफ हवाएं
क्योंकि हवाएं वायुदाब प्रवणता बाहर से केंद्र की तरफ हो जाती है, इसलिए चारों तरफ से हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन फेरल ने बताया था कि जब हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं तो वो सीधे न प्रवेश करके चक्करदार रूप में प्रवेश करती हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। क्लियर, आइए अब आगे देखते हैं। हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में केंद्र में बहुत ही न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है, वायुदाब को मिलीबार में दर्शाया जाता है। ये चित्र अगर आप बना के दिखा देंगे तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं 250 शब्दों का एक क्वेश्चन पूछा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और संरचना बताइए, तो सबसे पहले ये चित्र बना लीजिए, बता दीजिए कि केंद्र में 920 मिलीबार, तो इसका मतलब वायुदाब कम है, बाहर जाने पर वायुदाब अधिक दिखाना है, तो पहले 920, इस घेरे में दिखा दिया 940, उससे बाहर दिखा दिया 960 और उससे बाहर दिखा दिया 980 मिलीबार। साफ दिख रहा है कि वायुदाब प्रवणता किधर है, वायुदाब प्रवणता बाहर से केंद्र की तरफ है ना। वायुदाब प्रवणता की दिशा क्या है, बाहर से केंद्र की तरफ, जिसके चलते हवाएं चारों तरफ से चक्करदार रूप में केंद्र की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। ये है समदाब रेखाएं, इन रेखाओं के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि इन क्षेत्रों में वायुदाब समान है, किसी भी क्षेत्र में वायुदाब समान है, लेकिन बाहर से जब हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो वायुदाब घटता हुआ महसूस हो रहा है, और भीतर से जब बाहर की ओर जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता हुआ महसूस होगा। ये समदाब रेखाएं हैं और बीच के क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। वो सबसे खतरनाक क्षेत्र होता है चक्रवात का। अगर सैटेलाइट से ली गई इमेज को ही आप ध्यान से देख लें तो डर जाएंगे कि ये कैसा सीन है, अजीब सा दिखाई देगा। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना ब्लैक कलर का, ये देखिए ये क्या है, ये चक्रवात की आंख है। चक्रवात की सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता क्या होती है, चक्रवात की आंख होती है। चक्रवात की आंख बनती क्यों है, चक्रवात की आंख क्यों बन जाती है, जैसे आप दूर से देखेंगे तो वो देखिए जैसे लगेगा कि किसी कोई जानवर का आंख है ना, किसी खतरनाक जानवर का ये आंख, ऑक्टोपस का आंख दिखाई दे रहा है। तो ये आंख बनता क्यों है, चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली में जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवेश करती हैं, जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तो हवाएं, तो केंद्र के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है जिसके भीतर हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती। चक्रवात के केंद्र के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती। जब हवाएं केंद्र के निकट पहुंचती हैं, ऐसे लिखिएगा जैसे बोल रहा हूं, चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे हवाएं केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती। जब हवाएं केंद्र की ओर आगे बढ़ती हैं तो केंद्र में प्रवेश करने से पहले ही हवाओं का तापमान काफी बढ़ जाता है और बहुत ही तेजी से गर्म होकर वो हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को हम चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है, यानी बाहर से देखने में लग रहा है कि अंदर बहुत भूचाल मचा होगा, अंदर कुछ नहीं है। ये जो पाइप नुमा सीन आप देख रहे हैं ना, इस पाइप के अंदर खोखला है, कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप इस पाइप के अंदर खड़े हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चक्रवात आया है या कोई तूफान है। यानी चक्रवात की आंख क्या होती है, चक्रवात का जो आंख होता है वो एक, ये क्या है, चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है ना। क्यों, क्योंकि चक्रवात के केंद्र में, इसके चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को, केंद्र में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव भी नहीं होता है, ये एक शांत क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का आसमान भी बादल रहित होता है, यानी जैसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी चक्रवात की आंख में वर्षा भी नहीं होती है। आपने सुना होगा कि जब चक्रवात आते हैं तो खूब वर्षा होती है। चक्रवात में जो भी वर्षा होती है वो आंख के बाहरी क्षेत्रों में होती है, चक्रवात की आंख में कोई वर्षा नहीं होती है। क्लियर, यह चक्रवात की एक छोटी सी संरचना मैंने बताया आंख। अभी चक्रवात की संरचना पर और ज्यादा बात आपसे की जाएगी। चक्रवात दुनिया भर में आते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि अगर आप ये देख लें कि जो मान लेते हैं ये ग्लोब है, चक्रवात विश्व भर में आते हैं, मान लेते हैं ये ग्लोब है और ग्लोब में बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, 0 डिग्री अक्षांश, इसी के आसपास के क्षेत्रों में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कभी भी ध्रुवीय क्षेत्रों में या ठंडे सागर सतह पर नहीं आते हैं,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा गर्म सागर सतह पर आते हैं। विषुवत रेखा पर समुद्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए चक्रवात का जो सृजन होता है, वो निर्माण होता है, वो हमेशा विषुवत रेखा के आसपास ही होता है। विषुवत रेखा से बहुत दूर चक्रवात नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको गर्म जल यही मिलेगा, यही उसका भोजन है। क्लियर? तो चक्रवात को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे चीन, जापान, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो देश हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर के देश कौन कौन से हैं? चीन, जापान, फिलीपींस, है ना। पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो आते हैं, ये देश के भीतर नहीं आते हैं, तट पर आते हैं। जैसे चीन का जो पीला सागर तट है, जापान सागर है, फिलीपींस सागर के आसपास का जो समुद्र है ना, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, समुद्र में ही आएंगे। तो चीन, जापान, फिलीपींस में इसे हम क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, यानी हिंद महासागर में इसे क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। ये सब विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा यूएसए में इसे क्या कहते हैं? यूएसए या मैक्सिको की खाड़ी, आपने देखा होगा मैक्सिको की खाड़ी में हमेशा चक्रवात आ जाता है, उसे हम पश्चिमी अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं। यूएसए या मैक्सिको की खाड़ी में इसे हम क्या कहते हैं? या फ्लोरिडा तट। यूएसए में एक तट है मैक्सिको की खाड़ी के पास, आपने देखा होगा कि ये, अगर मान लेते हैं ये अमेरिका है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे है अमेरिका, है ना, ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी है। इस तट को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिडा। हमेशा जब भी अमेरिका में तूफान आता है, तो अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये जो तट है ना, इसको हम फ्लोरिडा तट कहते हैं। हमेशा इसी के आसपास ज़्यादा चक्रवात उत्पन्न होते हैं, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में। क्लियर? तो ये यूएसए या मैक्सिको की खाड़ी में इसे हम क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, हरिकेन। कभी कभी क्या होता है कि अमेरिका में भीतर, यहाँ मुख्य भूमि के भीतर चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, सागर सतह गर्म हो जाता है। अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कभी कभी मुख्य फ्लोरिडा के भीतर मुख्य भूमि में भी एक चक्रवात बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। बहुत ही चक्रवात तब कब विनाश करेगा? जब वो आबादी के करीब आएगा। सिंपल सी बात है, आप कल्पना करिए, अगर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच कोई चक्रवात उत्पन्न हो गया है, तो क्या वो विनाशकारी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। विनाश का आशय ही है मानव से। मानव जब चपेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं बड़ा विनाशकारी है। अगर अंटार्कटिका में कोई चक्रवात आ गया, मान लेते हैं, या भूकंप आ गया, तो उसे हम विनाशकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मानव से प्रभावित ही नहीं हुआ, जन धन की हानि नहीं हुई, जान माल का नुकसान ही नहीं हुआ। तो अंटार्कटिका में कितना भी भूकंप चक्रवात है, उसे विनाशकारी हम क्यों कहेंगे? आपदा नहीं कहेंगे। ये आपदा तब बनता है जब इंसान उससे प्रभावित हो जाता है। तो मध्य अटलांटिक महासागर में अगर चक्रवात आया है, तो विनाशकारी नहीं है। टॉर्नेडो विनाशकारी इसलिए बन जाता है क्योंकि इंसानों के बीच में पैदा हो गया। सोचिए कितनी तबाही मचाएगा। हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर पर घंटा, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती हैं, हवाएं से बाहर से जब केंद्र की ओर आती हैं, तो ये देखिए इतना दबाव होता है, और हवाएं केंद्र की ओर आके ऊपर की ओर उड़ती हैं, तो बीच में जो भी आ जाए उड़ा ले जाएगी। ये देखिए हवाएं ऊपर उठ रही हैं। अगर इंसान आ जाए, कारें आ जाएं, झोपड़ियां आ जाएं, मवेशी आ जाएं, सबके सबको ये उड़ा ले जाते हैं ऊपर, और फिर छोड़ देते हैं, विनाश तो होगा ही। तो अमेरिका में इसी तरह से सबसे विनाशकारी जो तूफान होता है, जो मुख्य भूमि पर आता है, फ्लोरिडा तट के आसपास, तो हरिकेन कहते हैं। जब अमेरिका में मुख्य भूमि पर चक्रवात की उत्पन्न हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो। ये जो आप चित्र देख रहे हैं मुख्य भूमि पर, ये टॉर्नेडो है। ये बहुत ही विनाशकारी होता है, फिल्मों में भी आपने इसे देखा होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी होती हैं। अगला हेडिंग, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं, मतलब कहाँ पे चक्रवात पैदा होगा और किन परिस्थितियों में, इसे अपने उत्तर में लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही आदर्श दशाएं। आप लंबी चौड़ी बात लिख गए, कहानी बता गए, लेकिन आदर्श दशाएं नहीं बता पाए, तो टीचर समझ जाएगा कि आप कहानी पढ़ के हैं, उसमें जो साइंटिफिक रीजन वो नहीं पता है। पहली दशा क्या है चक्रवात के आगमन की?
पहली दिशा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल का मान शून्य से अधिक होना चाहिए, शून्य से अधिक होना चाहिए। अगर हम विषुवत रेखा को देखें, ग्लोब पर अगर विषुवत रेखा को देखें तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है। तो जहां पर कोरियोलिस बल का मान शून्य होगा वहां पर हवा में चक्रता नहीं उत्पन्न होगी, यानी हवाएं गोल गोल नहीं घूमेंगी। हवाओं के गोल गोल घूमने के लिए, गोल गोल घूमना मतलब ये वाला ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना, हवाओं के गोल गोल घूमने के लिए चक्रता उत्पन्न होनी जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि कोरियोलिस बल का मान शून्य से ज्यादा हो। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है इसलिए विषुवत रेखा पर कभी भी हवाओं में चक्रता नहीं उत्पन्न हो पाती, परिणाम स्वरूप कभी भी चक्रवात या हरिकेन या टाइफून की उत्पत्ति कभी भी विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा के नज़दीक नहीं होती। चक्रवात जब भी उत्पन्न होंगे विषुवत रेखा से थोड़ी दूरी पर उत्पन्न होंगे। चक्रवातों की समस्या है, मजबूरी क्या है कि वो हमेशा गर्म सागर सतह पर ही उत्पन्न होंगे, इसलिए यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान कितना भी ज़्यादा क्यों न हो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर कोरियोलिस बल का मान ज़्यादा तो है लेकिन हवाओं में जलवाष्प ही नहीं है, सागर सतह गर्म ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे चक्रवात नहीं उत्पन्न होंगे। चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास ही उत्पन्न होंगे लेकिन बिल्कुल विषुवत रेखा के सहारे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वहाँ पर हवाओं में चक्रता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए विषुवत रेखा से 10 से 15 अंश अक्षांश दूर, विषुवत रेखा से 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांशों, 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांश रेखाओं के आसपास ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। हरिकेन टाइफून कभी भी विषुवत रेखा के सहारे उत्पन्न नहीं होते क्योंकि कोरियोलिस बल का मान जीरो होता है और 10 से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश ही चक्रवातों की उत्पत्ति के आदर्श क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागर सतह गर्म होना चाहिए। पृथ्वी पर जो अधिकतम तापमान की पेटी है वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती बल्कि उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा हैं, इसके चलते उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म रहता है। उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में सागर भी ज़्यादा गर्म रहता है। यही कारण है कि 10 से 15 डिग्री उत्तरी, हम दक्षिणी नहीं कह सकते, 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं क्योंकि धरातल पर अधिकतम तापमान की पेटी उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति के आदर्श क्षेत्र। दूसरा, सागर के ऊपर दूसरी आदर्श दशा क्या है, सागर के ऊपर वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता ह्यूमिड यानी जलवाष्प, सागर के ऊपर वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होनी चाहिए, वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होनी चाहिए क्योंकि चक्रवातों की जो ऊर्जा का स्रोत होता है, चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होता है, चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। चक्रवाती ऊर्जा का स्रोत क्या होती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा, और वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा तभी प्राप्त होगी जब वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा, और वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा तभी प्राप्त होगी जब वायुमंडल में जलवाष्प यानी आर्द्रता अधिक होगी। संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है समझ लीजिए, पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होता है भाप उड़ जाता है, भाप कैसे उड़ जाता है, पानी को आप कितना भी उबाल दीजिए पानी का टेम्परेचर एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। पानी उबलते हुए पानी में भी आप हाथ डाल दीजिए हाथ नहीं जलता है, लेकिन अगर हमारी कभी कभी घर में होता है हमारी माँ लोग या सिस्टर लोग बचपन में गलतियाँ हुई हैं, रोटी बना के दी रोटी फूली हुई है, रोटी अगर अचानक से फट गई और हाथ में उसका भाप लग गया तो जान निकल जाती है,
गर्म पानी से उतना आप नहीं जलते हैं, भाप से ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ये क्या होती है, जब पानी को एक लिमिट के बाद आप गर्म करते हैं ना, तो पानी के जो अणु हैं वो पहले तो आते हैं जल के सतह पे, फिर एक समय बाद वो जल को छोड़कर ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी के जब अणु गैस में बदल जाते हैं, जब उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी की, जब आप नीचे से आँच लगाते हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जल के अणु की गतिज ऊर्जा जब बहुत तेज़ हो जाती है तो सतह पर आ जाते हैं और अचानक से वो अपना रूप बदल देते हैं, यानी वो जल से द्रव से गैस में अपना अवस्था परिवर्तन करके वायुमंडल में चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जल वाष्प। तो जब अवस्था परिवर्तन करने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए, जल वाष्प जो अवस्था परिवर्तित कर लिया, जल से वाष्प में बदल गया, अवस्था परिवर्तन करने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत थी, वो ऊर्जा उसने कहाँ से लिया, पानी से ले लिया। यही कारण है कि पानी एक सीमा तक ही गर्म हो पाता है, जबकि भाप ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि भाप ने क्या किया, जल की गुप्त ऊष्मा को लेकर वायुमंडल में चला गया, इसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसमें गुप्त ऊष्मा है, और जब वो जलवाष्प दोबारा जल में बदल जाए, यानी बरसात हो जाए, जलवाष्प जब दोबारा जल में बदल गया, जलवाष्प से बारिश हो गई, यानी फिर से पानी में बदल गया और बारिश हो गई, तो उसमें जो गुप्त ऊष्मा थी वो कहाँ चली गई, वायुमंडल को चली गई। जलवाष्प जब पानी में बदलकर धरती पर दोबारा गिर जाता है तो जलवाष्प में जो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा थी वो कहाँ चली गई, वायुमंडल में चली गई, और जब जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में चली जाती है तो उसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और संघनन की गुप्त ऊष्मा किसे प्राप्त हो जाता है, वायुमंडल को प्राप्त हो जाता है। फिर से देखिए, सागर की सतह पर वायुमंडलीय आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है, और सागर के ऊपर वायुमंडलीय आर्द्रता जितनी ही अधिक होगी, वायुमंडल को संघनन की गुप्त ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी, और चक्रवात की आँख को मिलने वाली ऊष्मा बनी रहेगी, क्योंकि अगर संघनन की गुप्त ऊष्मा जो चक्रवात की आँख को मिलती है, मिलनी बंद हो गई, तो चक्रवात की मृत्यु हो जाती है, चक्रवात का विघटन हो जाता है। तीसरी आदर्श दशा क्या है, महासागरों के पश्चिमी भाग ही आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि महासागरों के पश्चिमी भागों में गर्म जलधाराएं चलती हैं, क्योंकि पश्चिमी भागों में गर्म, जैसे गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है ना, ब्राजील की धारा पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है, गर्म है। इसी तरह से हम्बोल्ट की धारा, जैसे हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बनाया, ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मैंने बना दिया, तो यहाँ पे एक धारा चलती है, उसे हम कहते हैं पेरू की धारा या हम्बोल्ट धारा। पेरू की धारा प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में चल रही है ना। अब प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग कहाँ है, चीन के पास है। प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पास है। तो महासागरों के पूर्वी भागों में ठंडी जलधाराएं चलती हैं, जबकि महासागरों के पश्चिमी भाग में गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भागों में होती है। महासागरों के जो पूर्वी भाग होते हैं वो उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श क्षेत्र नहीं माने जाते, क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधाराएँ प्रवाहित होती हैं। क्लियर। चौथी दशा क्या है, उष्ण चक्रवात की सागर सतह या सागर का जल 60 मीटर की गहराई तक सागर सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और सागर का जल 60 मीटर की गहराई तक गर्म होना चाहिए, क्योंकि केवल सतह पे गर्म रहेगा तो भाप बन के उड़ जाएगा और नीचे से ठंडा पानी आ जाएगा। और चक्रवात की आंख को मिलने वाली ऊष्मा बाधित हो जाएगी। सतह से वाष्पीकरण लंबे समय तक चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सागर का जल 60 मीटर की गहराई तक गर्म रहे,
ताकि सागर सतह पर गर्म जल की बारंबारता बनी रहे और चक्रवात की आंख को मिलने वाली ऊष्मा बाधित न हो। अगर सागर सतह सागर का जल अगर 60 मीटर की गहराई तक गर्म नहीं है तो शीघ्र ही सागर सतह पर ठंडा पानी आ जाएगा और चक्रवात की आंख को मिलने वाली ऊष्मा बाधित हो जाएगी और चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी या उसका विघटन हो जाएगा। चक्रवात का विकास और विघटन, क्लियर? चक्रवात का विकास कैसे होता है? चक्रवात का विकास एक सागर सतह पर, चक्रवात का जो विकास होता है वो सागर सतह पर एक वायुमंडलीय भ्रमिल या तरंग या वायुमंडलीय तरंग के रूप में होता है। मूल बात यही है, बस इसी को आप समझ जाएं कि वायुमंडलीय भ्रमिल क्या होता है या वायुमंडलीय तरंग, वायुमंडलीय भ्रमिल या वायुमंडलीय तरंग एक ही बात है। तो चक्रवात का विकास सागर सतह पर एक वायुमंडलीय भ्रमिल या तरंग के रूप में होता है। वायुमंडलीय भ्रमिल क्या है? हवाएं तो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पानी दिखाई देता है। आपने कभी कभी आपका जो वॉश बेसिन है, सिंक है, सिंक में आप कभी कभी जब ज़्यादा पानी भर देते हो, सिंक में कभी पानी भरे ना, वो जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं, तो वो गोल गोल घूमने लगता है। जब गोल गोल घूमने लगता है क्योंकि नीचे से पानी जाता है, नीचे से जब पानी प्रवाहित होगा तभी गोल गोल घूमेगा। जब आप हमारा जो वॉश बेसिन है उसमें जब आप ज़्यादा पानी भर दें तो गोल गोल घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि नीचे पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है, नीचे पानी निकलता रहता है इसलिए पानी ऊपर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, चक्कर मारने लगता है। एक बार अगर वो चक्कर ले लिया तो जब तक कि पूरा का पूरा पानी निकल नहीं जाएगा सिंक में से तब तक पानी गोल गोल घूमता रहता है। उसी को हम भ्रमिल कहते हैं, कुआं। भ्रमिल मतलब कुआं। आप ये भी देखते होंगे कि पानी कितना भी गोल गोल घूमे, जा भी रहा है नीचे, लेकिन बीच का जो छेद है ना, पानी के बीच में एक खाली जगह दिखाई देता है, छेद नुमा, उसमें पानी नहीं जाता है, वो छेद हमेशा बना रहता है। आपने देखा है पानी जब वॉश बेसिन में गोल गोल घूमता है तो बीच में एक खाली स्थान होता है जो भरता नहीं है, वो हमेशा खाली ही बना रहता है। एक तरह से उसे ही आप चक्रवात की आंख समझ लीजिए। और वायुमंडलीय भ्रमिल मतलब वही कुआं, एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र, तरंग, उसी को हम वायुमंडलीय तरंग कहते हैं। तो जब हवाएं बहुत गर्म हो जाती हैं सागर सतह पे तो अचानक से हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और जैसे ही हवा गर्म होकर ऊपर उठती और चारों तरफ की हवाएं उस खाली जगह को लेने के लिए दौड़ पड़ती हैं तो उससे उत्पन्न होता है वायुमंडलीय भ्रमिल या वायुमंडलीय तरंग। समझने के लिए बोला, इसे लिखना नहीं है, आप समझ गए ना? तो बस शुरुआत इतना ही करनी है कि उष्ण चक्रवातों की शुरुआत सागर सतह पर एक वायुमंडलीय भ्रमिल अथवा तरंग के रूप में होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में यही वायुमंडलीय भ्रमिल अथवा तरंग शक्तिशाली चक्रवात का रूप ले लेता है। जब शक्तिशाली चक्रवात का रूप ले लेता है तो ऐसा दिखाई देता है, आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर आप धरती पे से देखेंगे या समुद्र सतह पे से तो ऐसा दिखाई देगा, अगर उसे हम अंतरिक्ष में से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है। यानी चक्रवात का शुरुआत एक वायुमंडलीय भ्रमिल अथवा तरंग के रूप में होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में यही तरंग शक्तिशाली चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। वो कैसे होता है भला? एक्चुअल होता क्या है कि सागर सतह पर जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है उसे भरने के लिए समुद्र में हवाएं चल पड़ती हैं। सागर सतह पर चारों तरफ से हवाएं चल पड़ती हैं, और सागर सतह पर तो न मकान बना है, न पहाड़ है, न पर्वत है, और न ही कोई वृक्ष है। यानी सागर सतह बिल्कुल समतल होता है, हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। जब हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ तरंग को भरने के लिए बाहर से केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं तो हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है, सागर सतह खाली स्थान है चारों तरफ, इसलिए हवाओं की गति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, हवाओं बेलगाम बेरोक टोक के आगे बढ़ती हैं, इसलिए सागर सतह पर हवाओं की गति बहुत तेज होती चली जाती है। और चूंकि ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, समुद्र सतह के ऊपर से होकर आ रही हैं, इसलिए इनमें आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा अच्छी खासी होती है। जो हवाएं सागर सतह पर केंद्र को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं उनमें आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के ऊपर प्रवाहित हो रही हैं, जलवाष्प ही जलवाष्प है चारों तरफ, तो आर्द्रता की मात्रा अच्छी खासी होती है, ठीक है। और जब ये हवाएं जब केंद्र के पास पहुंचती हैं तो अभिसरित होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आर्द्रता होती है
ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, यह वायुमंडलीय आर्द्रता स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। लेकिन चक्रवात के केंद्रीय भाग में जब हवाएं लंबवत ऊपर की ओर उठती हैं, जब हवाएं गर्म होकर लंबवत ऊपर की ओर उठती हैं, तो यह आर्द्रता गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, लेकिन चक्रवात के केंद्र भाग में ऊपर की ओर उठती हुई वायु की लंबवत धाराओं के कारण यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप चक्रवाती पवन प्रवाह प्रणाली प्रचंड हो जाती है। और जब तक चक्रवात की आंख को, यानी बीच वाले क्षेत्र को, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, और जब तक चक्रवात की आंख को सागर सतह से संघनन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती रहती है, जब तब तक चक्रवात विनाशकारी बना रहता है, जल्दी उसका विघटन नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे चक्रवात का विघटन कैसे हो जाता है। चक्रवात का विघटन, चक्रवात विषुवत रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, गर्म सागर सतह पर, यहाँ पर सागर सतह का जल 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चक्रवात जैसे ही उत्पन्न होता है वो दो दिशाओं में गति करता है, या तो वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल पड़ेगा, और या तो वो ये क्या है, मान लेते हैं यूएसए है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना। चक्रवात जैसे ही उत्पन्न हुआ विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास, जहाँ की सागर जल गर्म है, वो या तो ध्रुवों की ओर चल पड़ता है या फिर पश्चिम की ओर। चक्रवात कभी भी पूरब की ओर नहीं चलते हैं, चक्रवात हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि चक्रवात पीछे छूट जाएंगे। भाई चक्रवात कोई ईंट का पत्थर थोड़ी की पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा, चक्रवात तो हवा है, हवा का एक प्रणाली है, पवन प्रवाह प्रणाली है। जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमेगी तो चक्रवात पीछे छूट जाते हैं, यही कारण है कि चक्रवात जब भी उत्पन्न होगा तो पश्चिम की ओर गति कर जाते हैं। तो चक्रवात जब गर्म संचलन करते हुए, संचलन मतलब गति करते हुए, जब गर्म सागर सतह से दूर ठंडे सागर सतह पर पहुंच जाते हैं, गर्म सागर सतह से दूर ठंडे सागर सतह की ओर पहुंच जाते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो परिणाम सूत्र तो इससे चक्रवात को मिलने वाली ऊष्मा बाधित हो जाती है और परिणाम स्वरूप उसका विघटन हो जाता है। और जब चक्रवात गति करते हुए महाद्वीपों जब चक्रवात पश्चिम की ओर गति करते हुए महाद्वीपों में मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं तो दो कारणों से इनका विघटन हो जाता है। मुख्य भूमि पर एक तो पर्वतीय अवरोध आ जाता है, मकान बने हुए हैं, पर्वत है, तो इसके चलते चक्रवातों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और दूसरे सागर सतह से दूर होकर मुख्य भूमि में चले जाते हैं, इससे चक्रवात की आंख को मिलने वाली जलवाष्प की मात्रा बाधित हो जाती है और चक्रवात का विघटन हो जाता है, अवरोध भी पैदा हो जाता है और ऊष्मा की मात्रा भी, क्योंकि सागर सतह पे था तब तो ऊष्मा मिल रहा था, अब चला गया मुख्य भूमि में तो ठंडा हो गया। तो इस तरह से चक्रवातों का विघटन हो जाता है, या तो दूर चले जाएं या मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाएं। चक्रवात की संरचना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा, यही मेन बात है। चक्रवात की संरचना जरूर बता देनी चाहिए संक्षेप में ही, मैं तो विस्तार में बता रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, और संक्षेप में ही बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चक्रवात की संरचना को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला एक ही है भाई ऊर्ध्वाधर संरचना, ऊर्ध्वाधर संरचना। चक्रवात की संरचना या विशेषता दोनों बातें एक ही हैं, चक्रवात की संरचना या विशेषता, ऊर्ध्वाधर संरचना विशेषता या क्षैतिज संरचना। अब ऊर्ध्वाधर क्षैतिज क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है क्षैतिज है ना। तो सबसे पहले हम क्षैतिज संरचना को देख लेते हैं, चक्रवात की विशेषता या संरचना। सबसे पहले हम क्षैतिज संरचना की बात करते हैं। पहला व्यास, चक्रवात का व्यास कितना हो सकता है, लगभग 500 किलोमीटर तक हो सकता है,
चक्रवात का व्यास यानी इलाहाबाद से दिल्ली तक हो सकता है ना। चक्रवात की चक्रवात का व्यास 500 किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात इसके केंद्र में अत्यधिक न्यून दाब 920 मिलीबार तक हो सकता है। हवाओं की गति परिणाम स्वरूप हवाएं वायुदाब प्रवणता परिणाम स्वरूप वायुदाब प्रवणता बाहर से भीतर की ओर वायुदाब प्रवणता बाहर से भीतर की ओर हवाएं बाहर से भीतर की ओर चक्करदार रूप में है। इसलिए हवाएं बाहर से भीतर की ओर चक्करदार रूप में प्रवाहित होती हैं। वायुदाब प्रवणता बाहर से भीतर की ओर स्थापित हो जाती है, इसलिए हवाएं भी बाहर से भीतर की ओर चक्करदार रूप में प्रवाहित होने लगती हैं। दूसरा, चक्रवात की सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता, हम क्षैतिज संरचना के अंतर्गत बात कर रहे हैं, क्षैतिज संरचना। दूसरा है, चक्रवात की सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता चक्रवात की आंख है। क्लियर, सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता चक्रवात की आंख है। या इसको ऐसे हम यहाँ पे कैसे इसको समझाएं, ये चित्र मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, नहीं यही ठीक रहेगा, ठीक है। चक्रवात की आंख, उसकी सबसे बड़ी संरचनात्मक क्षैतिज संरचना के अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता कौन सी होती है, चक्रवात की आंख। ये चक्रवात के केंद्र में स्थित एक शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात की जो आंख होती है, चक्रवात के केंद्र में स्थित एक शांत क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र। इसके ऊपर का आकाश जो होता है बिल्कुल मेघ रहित होता है, यानी इसके ऊपर बादल नहीं होते, साफ होता है। चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक तापमान अधिक, चक्रवात की जो आंख होती है वो उसके केंद्र में होती है, और ये अधिक तापमान, चक्रवात की आंख अधिक तापमान और कम आर्द्रता, यानी अंदर आर्द्रता नहीं होती, जलवाष्प नहीं होता है, ये एक अधिक आर्द्रता सॉरी अधिक तापमान और कम आर्द्रता का क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का आकाश बिल्कुल मेघ रहित होता है। चक्रवात में के केंद्र में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव नहीं होता। केंद्र में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, अगर आप ये इमेज देखें तो समझ पाएंगे कि इसके केंद्र में अगर अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे चक्रवात का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ऊपर देखेगा तो ऊपर इसे ये सब नहीं दिखाई देगा, ऊपर उसे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि अंदर बादल नहीं होते हैं। क्लियर, तो ये चक्रवात की सबसे बड़ी विशेषता है आंख। और आंख में वर्षा नहीं होती है, चक्रवात में कितनी भी वर्षा क्यों न हो जाए, चक्रवात में कुछ ही घंटों में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी साल भर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चक्रवात की आंख में बारिश नहीं होती है। चक्रवात की अगली जो बड़ी विशेषता है वह है आंख की दीवार। क्षैतिज संरचना के अंतर्गत चक्रवात की अगली विशेषता है आंख की दीवार। जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, मान लेते हैं ये लो प्रेशर का क्षेत्र LP, जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तो चक्रवात के केंद्र की चारों तरफ या चक्रवात की आंख के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है जिसके भीतर हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती, और इस सीमा के पास पहुंचकर हवाएं चक्करदार होते हुए चक्कर मारते हुए ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। इस सीमा के आगे हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती। चक्रवात के आंख के चारों तरफ इस सीमा को हम आंख की दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख की दीवार कहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र, चक्रवात के अंतर्गत सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र क्या होता है? आंख की दीवार होती है। आंख की दीवार के सहारे ही 70-75% वर्षा संकेंद्रित रहती है। चक्रवात के अंतर्गत जो भी वर्षा होती है, वर्षा की जितनी भी मात्रा होती है, 70-75% जो वर्षा है आंख की दीवार के सहारे ही होती है। क्लियर, अगली संरचनात्मक विशेषता क्या है? अगली संरचनात्मक विशेषता चौथी संरचनात्मक विशेषता, मैं क्षैतिज संरचना पढ़ा रहा हूं,
चौथी संरचनात्मक विशेषता को हम यहाँ पे देखते हैं, उसी के लिए मैंने चित्र बना लिया है। अगली संरचनात्मक विशेषता जब आप बताएंगे तो इस चित्र को जरूर से दिखा दीजिएगा। क्लियर? ये क्या है? बादलों की सर्पिलाकार पट्टियां। बादलों की सर्पिलाकार पट्टियां सैटेलाइट इमेज से देखने पर या अंतरिक्ष से देखने पर जो चक्रवात का क्षेत्र होता है वो निहारिका की भांति प्रतीत होता है। अंतरिक्ष से देखने पर या सैटेलाइट इमेज से देखने पर, मैं इस इमेज की बात कर रहा हूं, उसको मैंने बना दिया है, ये जो इमेज है इसको आप अंतरिक्ष से देखने पर चक्रवाती जो क्षेत्र होता है वो निहारिका की भांति, नेबुलस की भांति प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि आंख की दीवार के चारों तरफ, आंख की ये जो दीवार है इसके चारों तरफ बादलों की, ये आंख की दीवार है, आंख की दीवार के चारों तरफ बादलों की सर्पिलाकार पट्टियां बिखरी हुई होती हैं, ठीक है। इसके चलते पूरा का पूरा जो चक्रवाती क्षेत्र है वो निहारिका की भांति प्रतीत होता है। ये है बादलों की सर्पिलाकार पट्टियां, और ये बादलों की जो सर्पिलाकार पट्टियां होती हैं ये भी लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आंख का चक्कर लगाती हैं, आंख के चारों तरफ 25 हवाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन ये जो बादल हैं ये 25 किलोमीटर घंटा की दर से चक्रवात के केंद्र के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं। सर्पिलाकार पट्टियों में उतनी बारिश नहीं होती है जितनी की आंख की दीवार के सहारे होती है। ये हो गया क्षैतिज विशेषता। अब हम देखते हैं चक्रवात की ऊर्ध्वाधर विशेषता। ऊर्ध्वाधर विशेषता को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इमेज बना लीजिए। ये देखिए, ये इमेज आपने जो कीप होता है ना, कीप, हमने एक कीप बना लिया, उल्टा नहीं सीधा ही तो है, ये कीप है। ये है, यहाँ पे आप लिख दिया LP, मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र है, हवाएं प्रवाहित हो रही हैं बाहर से। ये आप क्या दिखा रहे हैं? वर्टिकल ऊर्ध्वाधर संरचना को आप दिखा रहे हैं। फिर आप तीन लाइन, चार पांच लाइन ऐसे बना दीजिए। उसके बाद आप ऐसे बना दीजिए दो लाइन, और ये जो है इस क्षेत्र में आपने बादल बना दिए। कभी भी केंद्र के ऊपर बादल मत बनाइएगा, क्योंकि केंद्र के ऊपर का जो क्षेत्र होता है आकाश मेघ रहित होता है, बादल हमेशा आंख की दीवार के सहारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। ये बादल, तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर संरचना के भी तीन भाग होते हैं। पहला, ऊर्ध्वाधर संरचना में भी तीन भाग होते हैं। पहला चक्करदार, केंद्र की ओर प्रवाह, चक्करदार केंद्र की ओर प्रवाह। उष्ण चक्रवातों में, उष्ण चक्रवातों की ऊर्ध्वाधर संरचना के अंतर्गत धरातल से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, धरातल से लेकर लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाओं का चक्करदार केंद्रोन्मुखी प्रवाह होता है, मतलब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर तेजी से प्रवाहित होती हैं। जो मध्यवर्ती स्तर होता है, मध्यवर्ती स्तरों में हवाएं तेजी से नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। मध्यवर्ती स्तरों में हवाएं आंख की दीवार के सहारे तेजी से नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, जबकि उष्ण चक्रवातों के ऊपरी स्तरों में हवाओं का, तो यहां लिखना पड़ेगा, मध्यवर्ती स्तरों में ऊपर की ओर प्रवाह। और बी हो गया, सी, तीसरा क्या हो गया? ऊपरी स्तरों में
वायु का ऊपरी स्तरों में वायु का वेगपूर्ण निस्राव। निस्राव का मतलब होता है भीतर से बाहर की ओर निकलना। ऊर्ध्वाधर संरचना के अंतर्गत धरातल के निकट धरातल से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा का चक्करदार केंद्रोन्मुखी प्रवाह होता है। मध्यवर्ती स्तरों में हवाएं आग की दीवार के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, जबकि ऊपरी स्तरों में हवाओं का वेगपूर्ण निस्राव होता है, यानी हवाएं भीतर से बाहर की ओर। ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात अपने ऊपरी स्तरों में हवाओं के भीतर से बाहर की ओर फेंक देता है। जब हवाएं भीतर से बाहर की ओर निकलती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं तो तेजी से संघनन प्रारंभ हो जाता है। हवा जब ठंडी होती है ना, तो उसमें जो जलवाष्प होता है वो ठंडी होकर बादल में बदल जाती है। तो परिणाम स्वरूप हवाएं जब भीतर से बाहर की ओर निकलती हैं तो तेजी से बादलों का निर्माण और आग की दीवार के सहारे वर्षा होने लगती है। क्लियर? उष्ण चक्रवातों का प्रभाव क्या होता है? उष्ण चक्रवातों का प्रभाव, 2-3 प्रभाव आप लिख दीजिए। प्रभाव क्या लिखेंगे? पहला, हवाओं की गति, उष्ण चक्रवातों में हवाओं की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। उस चक्रवातों के अंतर्गत सागर सतह पर वायुदाब अधिक हो जाता है। सागर सतह पर वायुदाब, एक तो वायुदाब अधिक होता है और दूसरे हवाओं की गति भी अधिक। सागर सतह पर वायुदाब भी काफ़ी बढ़ जाता है और हवाओं की गति भी बहुत अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप सागर सतह लगभग 10 मीटर तक सागर सतह का परिवर्तन हो जाता है। सागर सतह का परिवर्तन मतलब नॉर्मली अगर सागर सतह ऐसा होता है तो चक्रवात आने के बाद आपको सागर सतह ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो ये जो ऊंचाई है, सागर सतह नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन चक्रवात आने के बाद सागर सतह में एकदम भूचाल मच जाता है। कहीं सागर सतह नीचे चला जाता है और कहीं अचानक से ऊपर उठ जाता है। तो चूंकि हवाओं की गति बहुत ज़्यादा होती है और वायुदाब सागर सतह पर काफ़ी तेज हो जाता है, परिणाम स्वरूप सागर तल में 10 से 12 मीटर तक का परिवर्तन हो जाता है। और जब तेजी से हवाएं महाद्वीपों की तरफ बढ़ती हैं तो क्या करती हैं? इस लहर को उठाकर सागरी जल को अंदर फेंक देती हैं तटीय क्षेत्रों में। तेजी से बहती हुई जो हवाएं होती हैं वो सागरी तरंगों को तटीय क्षेत्रों में अंदर पहुंचा देती हैं, जिसे अचानक से जो गोपालपुर विशाखापट्टनम में भी चक्रवात आते हैं ना, हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में आता है और कहाँ टकराता है? उड़ीसा के गोपालपुर में टकरा जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से टकराएगा। क्यों टकराता है? हमने बताया ना कि चक्रवात जब भी उत्पत्ति होगी तो वो पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो या तो उड़ीसा मिलेगा या आंध्र प्रदेश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अरब सागर में चक्रवात नहीं आते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, टॉपिक भटक जाएगा। तो सागर तल में चूंकि परिवर्तन हो जाता है तो परिणाम स्वरूप जब तेजी से बहती हुई जो हवाएं होती हैं वो सागरी जल को तटीय क्षेत्रों में अंदर की ओर ढकेल देती हैं, जिससे क्या हो जाएगा? अचानक से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि गोपालपुर विशाखापट्टनम खूब भयंकर बाढ़ आ जाता है। उष्ण चक्रवात कृषि अर्थव्यवस्था को गहरे प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों की जो कृषि अर्थव्यवस्था होती है वो उपजाऊ मिट्टी से चलती है और जो सागरी जल होता है जमीन को, मिट्टी को लवणीय कर देता है ना, नमक की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे उसमें पौधे लंबे समय तक उग नहीं पाते, तो भूमि बंजर हो जाती है धीरे धीरे, तो कृषि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। भारत में जो स्थिति है, हम भारत में उत्पन्न क्यों होता है ये नहीं बताएंगे, अनावश्यक खिंच जाएगा। भारत में उत्पन्न क्यों होता है, भारत में हर जगह के उत्पन्न होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भारत बना दें, चलिए ये हो गया आपका भारत। हमने कहा कि चक्रवात जब भी उत्पन्न होंगे तो पश्चिम की तरफ गमन कर जाते हैं। चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, यही कारण कि ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है।
बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जब भी चक्रवात उत्पन्न होगा तो पश्चिम की तरफ गमन करता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर उड़ीसा है, पश्चिम आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का तट है, यहीं पर टकराते हैं आके। अब अगर अरब सागर में भी कोई चक्रवात पैदा हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी तट पे चक्रवात नहीं आते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं आते हैं, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है। एक कहावत है कि जब किस्मत खराब होती है तो आप हाथी पे भी बैठे रहोगे तो कुत्ता काट लेगा गांव में ऐसा कहते हैं। तो अगर ये चक्रवात आया तो नॉर्मली नियम के हिसाब से इसको पश्चिम की तरफ जाना चाहिए, अफ्रीका की तरफ। अरब सागर के पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है, इथोपिया है ना, इथोपिया है, केनिया है ना, उधर जाना चाहिए इसको, तो उधर ही जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, अब इसका दिमाग खराब है या कभी कभी इसका मूड ठीक नहीं है, यहाँ पे उत्पन्न होता है और जाके गुजरात मुंबई से टकरा जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना। तो अभी कुछ दिन पहले गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर चक्रवात आया था, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, बहुत ज़बरदस्त चक्रवात उत्पन्न हुआ था। तो नॉर्मली चक्रवात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, परिभाषा, परिचय, उत्पत्ति, आदर्श दशाएं, निर्माण, उसका विनाश, क्षैतिज संरचना, ऊर्ध्वाधर संरचना, चक्रवातों का पड़ने वाला प्रभाव। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।